दिल्ली के पांडव नगर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने दावा किया है कि पांडव नगर में रहने वाले सौतेले बेटे के पत्नी के साथ उसके बाप के अवैध संबंध थे। इसकी जानकारी होने पर सौतेले बेटे ने अपनी मां के साथ मिलकर न केवल उसकी हत्या कर दी बल्कि शव के टुकड़े टुकड़े कर फ्रिज में छुपा दिया। वहीं अगले कई दिनों तक वह इन टुकड़ों को एक एक करके अलग अलग स्थानों पर ठिकाने लगाता चला गया। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपने पिता की हत्या तो कर दी लेकिन पिता का शव काटने की हिम्मत उसमें नहीं हो रही थी। ऐसे में उसने खुद भी उन्हीं नशीली गोलियों का सहारा लिया जो मौत के घाट उतारने से पहले उसने अपने पिता को दिया था और फिर नशे की हालत में ही वह शव के टुकड़े करता चला गया। पुलिस ने बताया कि पहली बार 30 मई को अंजन दास के शव के टुकड़े मिले थे। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। इन्हीं फुटेज के आधार पर मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आखिरकार आरोपी मां और बेटे को दबोच लिया है।